इस देश में सरकार किसने चलाया? 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय 54 साल 54 ईयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में, 16 साल नंबर दो स्थान पे भाजपा हुकूमत किया, बस 3-4-5 साल दूसरे लोग आए और गए, बीच में कोई साल, कोई सवा साल, कोई डेढ़ साल, कोई 8 महीना वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही दो पार्टी हुकूमत करते रहे। अगर कोई कसूरवार है तो ये दो पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं। हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है कि हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आए, भाई वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात, तू कितना मैं कितना, तू कितना काया मैं कितना काया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। एक सिंपल बात मैं बताता हूं, सिंपल बात है जो आपके आंखों के सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गए क्या? किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांजा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारे चीज चाइना से आते हैं। भाई घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग रहा है तो कहां गया मेक इन इंडिया? चाइना बाजार क्यों लगता, भारत बाजार लगना चाहिए ना। बस ये बात सच है। नांदेड़ में कितना चाइना बाजार है गिन लीजिए। आप परमानी में जाओ, अकोला में जाओ, कहीं भी जाओ, सारे ही देश में, आप उत्तर प्रदेश जाओ, तमिलनाडु जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, हर शहर में, छोटे बड़े सब में चाइना बाजार लग रहा है। ये क्या हो रहा है देश में? कब तक ये बात चलते रहेंगे? ईमान से सोचिए, दिल से सोचिए। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे बातों को सुन के यूं मत छोड़ दीजिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं दुख दर्द से यह बात कह रहा हूं। ये बात जरूर सोचिए, चर्चा कीजिए।